झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में स्थित मेस कैंटीन के संचालक दो लोगों पर मेस में कार्यरत कर्मचारी ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें मेस संचालक दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने दो आरोपियों को डिटेन किया है, वहीं दो अन्य की तलाश की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस उप अधीक्षक नीरज कुमारी शर्मा ने बताया कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में स्थित मेस कैंटीन के संचालक राजीव तथा प्रदीप सिंह राजपूत से मेस में कार्यरत चार कर्मचारियों ने छुट्टी पर जाने को लेकर विवाद किया। कैंटीन प्रबंधक ने जब कहा कि जब सभी कर्मचारी छुट्टी पर चले जाएंगे तो छात्रों को भोजन कैसे उपलब्ध हो पाएगा, इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया और मेस कर्मचारी अशोक, हेमराज, धर्मराज उर्फ गोलू और सुनील ने मेस प्रबंधक प्रदीप और राजीव पर चाकू से हमला बोल दिया और जमकर मारपीट कर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं दो कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, वहीं दो अन्य की तलाश की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपके यहाँ ठेकेदार के अधीन है या वो मतलब जाने की कह रहे थे? कहाँ जाने की? मतलब काम छोड़ के। काम छोड़ के जाने की कह रहे थे? तो कहाँ, मेस में काम करते हैं क्या? मैं संभालता हूँ, वो काम करते थे। अच्छा, आप मेस संभालते हो, वो काम करते हैं। कल मेडिकल कॉलेज के सामने एक दुकान में दुकान के मालिक और वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के मध्य में किसी बात को लेकर के बहस हुई, उसके बाद उन्होंने आपस में एक दूसरे पर चाकूओं से वार किए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जो स्थानीय थाना पुलिस है मौके पर पहुंची, जो मजरूब है उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और दोनों पक्षों से हमने कार्रवाई करने के लिए मुकदमे ले लिए।